अब खबरें विस्तार से और जहां सबसे पहली खबर है, बुधवार को तड़के जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार दास का हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। सूचना पाकर उपायुक्त के अलावा जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी एवं कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे। जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार दास ने छुट्टियां ली थी और बुधवार को तड़के वे अपने परिवार के पास बोकारो जाने वाले थे, जहां से वे लातेहार के लिए रवाना होने वाले थे। तड़के चालक के आने के बाद वे तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया। चालक पहले ब्रह्मानंद अस्पताल ले गया, फिर एमजीएम अस्पताल लाया गया, मगर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल पहुंचे। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल, डीडीसी लाल मोहन महतो, एसडीओ प्रेम रंजन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। जैसे जानकारी मिली है कि उनको हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है, देहांत हुआ है। हम डीसी साहब, एसडीओ साहब, डीडीसी साहब तुरंत जैसे ही सूचना मिली है वैसे पहुंचे हैं। अब इसके आगे कहाँ संस्कार वगैरह की कार्रवाई होगी और आगे जो है इनको लतिहार वगैरह भेजना है, उस पर आदरणीय डीसी साहब, डीडीसी साहब लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वागत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को धतकीडी में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शहजाद खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता का भव्य स्वागत किया। इसके अलावा मुख्य समाज की ओर से भी उनका स्वागत व सम्मान किया गया और कदमा कार्यालय में भी राजेश व मनोज ने उनका स्वागत किया। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों को मिलकर बहुत अच्छा जमशेदपुर बनाना है, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक जमशेदपुर, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई बनकर रहेगा, प्रेम और अखलाक मोहब्बत रहेगा, धर्म निरपेक्षता मजबूती से रहेगी और हम जो लोग समाज को तोड़ते हैं उसको जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे। ये हिंदुस्तान बन्ना गुप्ता का देश है, ये हिंदुस्तान अशफाकुल्ला का देश है, ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी का देश है, ये हिंदुस्तान भगत सिंह का देश है। इसलिए साथियों दोस्तों, आप सभी लोगों का हम खैर मकदम करते हैं, आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन 5 घंटा विलम्ब से आने के बाद भी हमारे साथियों में कोई जोश की कमी नहीं है। ये जोश बता रहा है कि आने वाला चुनाव हम इसलिए साथियों दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सलाम।
झारखंड की सभी जनता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नवरात्र है, आने वाले समय में बकरीद आने वाला है। मैं सभी झारखंड के लोगों के उन्नत भविष्य की कामना करता हूँ। आशा विश्वास करता हूँ कि झारखंड के लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना और अपने झारखंड के उत्थान के लिए काम करेंगे और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आने वाला समय झारखंड के लिए बहुत सुखद होगा, समृद्धशील होगा और हम सब मिलकर झारखंड की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को चूना शाह बाबा के मजार पर जाकर माथा टेका। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में जम्मू कश्मीर में आपदा पीड़ितों के लिए 2,60,000 रुपए बतौर सहायता राशि दी गई। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने समाज में उदाहरण पेश करते हुए जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2,60,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किए। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे मेंबर लोग का कलेक्शन आया है और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए आपदा जो आई है उसके लिए हम लोग 2,60,000 का ड्राफ्ट बना करके हम भेज रहे हैं। कब भेज रहे हैं? आज भेज दिया जाए।